अभी दोस्तों हम जिस जगह पर है ये है आपका बनारस रेलवे स्टेशन, और इंटरनेट काफ़ी वायरल हुआ था ये प्रवेश द्वार नंबर 2 और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गेट नंबर 1 का भी विकास कार्य किया गया है। दोस्तों ये रोड देख रहे हैं, ये चला जाता है सीधे आपका BLW और यहाँ से आप सीधे चला जाएंगे महमूरगंज, और यहाँ देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है प्रवेश द्वार बनारस रेलवे स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह है प्रवेश द्वार, यहाँ से हम लोग एंट्री करना है। अब यहाँ देखिए काफ़ी यहाँ चमक रहा है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये देख लीजिए यहाँ से आप, ये एंट्री गेट। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित हो रहे पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के बनारस रेलवे स्टेशन पर, और सामने देख सकते हैं रोड के इस पार से इस रेलवे स्टेशन की क्या खूबसूरती देखने को मिलती है। और रोड देख रहे हैं, रोड का चौड़ीकरण किया गया है और इस तरह देखिए नई बाउंड्री वॉल तैयार की गई है, और ये रोड की जो चौड़ाई की गई है ये आपका महमूरगंज पुलिस चौकी से लेकर पॉपुलर हॉस्पिटल तक किया जाएगा। फिलहाल अभी काम यहाँ यानी हनुमान जी मंदिर तक बस हुआ है, आगे काम अभी चल रहा है, और यहाँ पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए कैनोपी लगी है, ये है पार्किंग, और ऐसी पार्किंग जो कैनोपी देख रहे हैं ये पूरा आपका आगे तक जाएगा यानी एंड तक जाएगा पूरा। और पहले ये स्टेशन का जो क्षेत्रफल था यानी बस यहीं तक था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक नया दायरा बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप, ये भी हाल ही में रोड नया बनाया गया है, और इस स्टेशन जो विकास कार्य कराया जा रहा है वो बनारस शहर की कला एवं संस्कृति को समाहित करते हुए नया स्वरूप दिया जा रहा है, और इसके साथ ही स्टेशन की पार्किंग अप्रोच प्रकाश व्यवस्था तथा साइनेज में भी सुधार किया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर हरियाली का भी ध्यान रखा जा रहा है, ये देखिए लाइट्स नहीं लगी है, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सुंदर इसको विकसित किया जा रहा है पहले से, यानी स्टेशन का जो विकास काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, और एक नए स्वरूप में आपको इंडियन रेलवे का विकास देखने को मिलेगा। जैसे गेट नंबर 2 को एयरपोर्ट की तरफ पर विकसित किया गया है, ठीक उसी प्रकार गेट नंबर 1 का विकास किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। और जैसे ही दोस्तों एंट्री करेंगे, देखिए सामने यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें जो जो वर्तमान समय में ट्रेनें चलने वाली है और जो चल रही हैं उसकी पूरी देखिए जानकारी दिया गया है यहाँ पर। और हरियाली का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, और कई प्रकार की लाइटें भी लगाई गई, यानी ये शॉर्ट हाइट वाली लाइट लगाई गई है, फिर बाउंड्री लाइट लगाई गई है, फिर ये इधर LED लाइट लगाई गई है। तो 7,93,00,000 की लागत से प्रथम प्रवेश द्वार के स्टेशन भवन का सुधार किया गया है, और 7,66,00,000 की लागत से साइड ड्रेनेज के प्रावधान के साथ साथ स्टेशन अप्रोच रोड का चौड़ीकरण किया गया जिसकी मैं बात कर रहा था, लगभग 20 फीट रोड चौड़ा और किया गया है, और सर्कुलेटिंग एरिया का सुंदरीकरण एवं प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6, 8 पर बे PP सेल्टर का निर्माण कार्य कराया गया है। ये जो किनारे रेलिंग देख रहे हैं ये दिव्यांगजनों के लिए रैम बनाया गया है ताकि आसानी से वो स्टेशन तक पहुंच सके, यानी सुगम भारत प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ऐसा किया गया है ताकि कोई भी दिव्यांग बुजुर्ग लोग आसानी से बिना सीढ़ी का उपयोग किए रैम के थ्रू जा सके। अभी हाल ही में देखिए बारिश हुआ है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है रेलिंग पानी के छीटा, और किनारे किनारे देखिए गार्डनिंग की व्यवस्था किया गया है। ₹3,77,00,000 की लागत से द्वितीय प्रवेश द्वार पर भी स्टेशन भवन के सामने कार एवं मोटरसाइकिल के पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और स्टेशन सीमा पर नई ऊंची दीवार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, और स्टेशन परिसर के सुंदरीकरण अंतर्गत ग्रीन गार्डन विकसित कर एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये फॉल सीलिंग नया किया गया है, और यहाँ पर LED लाइट्स लगाई गई हैं, और ये दायरा बढ़कर आपका जो पहले यहाँ तक था इसको बढ़ा कर यहाँ तक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं लगातार साफ सफाई का यहाँ पर खास ख्याल रखा जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर बनारस की कला को प्रदर्शित करते हुए और जो टूरिस्ट प्लेस उनको दिखाया गया है यहाँ पर पेंटिंग के माध्यम से,
गौतम बुद्ध जी यहाँ पर 5 शिष्यों को जो दीक्षा दे रहे थे वो है धामिक स्तूप, बौद्ध अनुयायी जा रहे हैं और गंगा घाट। एंट्री के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एग्जिट गेट, और यहाँ पर सामने आपको देखने मिलेगा SBI का ATM और बनारस का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जो सामने आपको देखने मिलेगा। और यहीं पर एक्सलेटर लगा हुआ है ताकि आप प्लेटफॉर्म नंबर 8 तक जा सकें। यहाँ पर कुल 8 प्लेटफॉर्म है और यहाँ का स्टेशन कोड BSBS है। और अभी देखिए यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन काम बाकी, यानी अभी ये रोड पूरा ऐसे बनाना बाकी रह गया है। और यहाँ से वंदे भारत चलने वाली है, इसलिए तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ से व्यू देखिए आप, ये सामने है मंडुआ रेलवे ब्रिज। प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की सुविधा दी जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पर एक हाल ही में नया लिफ्ट तैयार हुआ है, ये अंडर इंस्टॉलेशन अभी है। और ये चौड़ाई देख सकते हैं, फुटर ब्रिज काफ़ी कम है, इसीलिए जो नया फुटर ब्रिज बनाया जा रहा है वो लगभग 12 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। और इस फुटर ब्रिज से सामने वाले के बीच बनाया जाएगा, और इसके लिए पाइलिंग भी शुरू हो चुकी है। और इस नए फुटर ब्रिज की लंबाई 105 मीटर और 12 मीटर चौड़ा होगा, जो कि एक तरफ RPF बिल्डिंग को गिराया जाएगा, वहीं दूसरी प्रवेश द्वार की तरफ रिसेप्शन हॉल को आधा तोड़ा जाएगा। और दोनों तरफ से FOB पर चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ी एस्केलेटर प्रस्तावित है। और यह FOB सभी प्लेटफॉर्म से लिंक होगा और सभी प्लेटफॉर्म पर चढ़ने उतरने के लिए एस्केलेटर की सुविधा होगी। और बता दोस्तों कि सबसे ख़ास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म यानी जो फुटर ब्रिज बनाया जाएगा उस पर दुकानें भी होंगी विदेशों की तर्ज पर। और दोस्तों 15 सितंबर को यहाँ पर वंदे भारत भी लॉन्च होने वाली है, और यहाँ पर आपको वंदे भारत, शिवगंगा, काशी विश्वनाथ, बुंदेलखंड, बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट आदि ट्रेनों का संचालन भी होता है। देख सकते हैं यहाँ पर फुटर ब्रिज का नया काम चल रहा है, और यहाँ देखिए PP शेल्टर का निर्माण कार्य चल रहा है ताकि धूप में जो लोग बैठते थे अब सुविधा मतलब हट जाएगी, यानी अब आराम से वो छांव में बैठ सकते हैं। और आगे देखें यहाँ पर इस साइड पाइलिंग काम चल रहा है ताकि नया फुटर ब्रिज बनाया जा सके। यह द्वितीय प्रवेश द्वार, और सामने देख सकते हैं यहाँ पर यह है प्लेटफॉर्म नंबर 8, और यहाँ से लेकर यहाँ तक नया ये सेट का काम किया गया है। और जो नया FOB बनेगा उस पर आपको बनारसी खान पान से लेकर GI प्रोडक्ट, 1 District 1 प्रोडक्ट की दुकानें भी लगाई जाएंगी। यहाँ देख सकते हैं ये फ्लोरिंग का काम नया किया गया है, यानी यहाँ से लेकर आपका आगे तक पूरा ये नया ग्रेनाइट लगाया गया है। पहले यहाँ पर सीमेंटेड वाला फर्श हुआ करता था। तो अगर आप बनारस से कोई भी बाइक अपना कहीं और ले जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर चार्जर दिखा हुआ है। गाड़ी पैकिंग के लिए संपर्क करें और पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा स्वीकृत माल एवं गाड़ी पैकेजिंग सेंटर, देखिए पूरी जानकारी यहाँ दिया गया है। जो लोग बाइक रैप कराना चाहते हैं, यहाँ से पार्सल में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी बाइक पैक होती है। और घूमते घूमते हम लोग आ चुके हैं दूसरे प्रवेश द्वार पर, जो कि एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया गया है। और ये मुझे नया चीज़ यहाँ देखने मिल रहा है, देखिए इसका बकायदा यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है। ये काफ़ी मुझे नया चीज़ देखने मिला, देख रहे काफ़ी ज़बरदस्त जगह बढ़िया यूज़ किया गया है। बाहर बैठ कर आराम से खा पी सकते हैं, झूले भी देखे लगे हुए हैं यहाँ पर खेलने के लिए। यहीं पर है इंडियन फ्लैग भी। मैं तो प्रवेश द्वार 2 के साइड इसलिए आया हूँ, जो 3.5 करोड़ की लागत से पार्किंग बना है वो कहाँ पर है। तो एक पार्किंग देखिए ये सामने इधर है, ये अंदर जाने का रास्ता बनारस स्टेशन यानी मड़वाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ, आई लव बनारसी पार्क नंदी वाराणसी खेल गाँव रेल गाँव। तो अभी हम लोग गेट नंबर 2 के वेटिंग हॉल में है। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, और इस साइड आपका है शौचालय 24 घंटे के लिए है यहाँ पर। और ये है 1 Station 1 Product, और यहाँ पर भी है ब्लैक पॉटरी। कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा आप लोग। यहाँ देखिए पाइलिंग के लिए गड्ढा खोदा गया है, मेसर्स सन कंस्ट्रक्शन द्वारा यहाँ पर
शेल्टर का काम किया जा रहा है। ये देखिए इतना कर दिया गया है, अभी आगे इतना और बाकी है। मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है अभी आ रहा है इस समय। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आ चुके हैं। यहाँ पर फॉर सेलिंग देखिए आप, एकदम लगता ही नहीं कि ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। साफ सफाई और काफ़ी सुंदर लग रहा है प्लेटफॉर्म। फॉल सीलिंग भी अच्छी खासी की गई है और ट्रैक भी देखिए साफ सुथरा है। दोस्तों प्रवेश द्वार एक के गेट नंबर दो के पास देखेंगे। यहाँ पर पहले हुआ करता था अनारक्षित टिकट काउंटर, जिसे शिफ्ट करके मेन मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुँचा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए फॉल सीलिंग किया गया है और इस बिल्डिंग का उपयोग किया जा रहा है एज अ पेड एसी वेटिंग हॉल के रूप में, जिसका जो प्राइस है 10 रुपये पर घंटा है और 5 रुपये पर घंटा बच्चों का है। यहाँ पर दिखाया गया है वाराणसी नदी पूर्ण सिद्ध गंधर्व सेविता प्रविष्टा त्रिपदा गंगा तस्मिन क्षेत्र मम प्रिय मत्स्य पुराण के बारे में बताया गया है। और ये है आपका वेटिंग हॉल। दोस्तों जिस तरह इसमें पीवीसी पैनल लगा दिया गया है या एल्युमिनियम पैनल जो भी हो, उसी प्रकार का देखिए इसको भी यहाँ पर इस बिल्डिंग में लगाया जाएगा। देखिए यहाँ बस बल्ली बना है और ये बिल्डिंग को लगा दिया, देखने में ये बिल्डिंग सुंदर लगेगा। अब तो जो भी इस प्रकार की पेंटिंग्स की गई है यानी सीमेंट वाली, सबको शीशे में पूरा पैक कर दिया गया है यानी मोल्ड कर दिया गया है। एकदम मस्त लग रहा देखने में। तो इसे कोई कहेगा ये प्लेटफॉर्म है इतना खूबसूरत? ये देखिए यहाँ पर क्या ही ब्यूटी है, एक नंबर व्यू। ये कौन जमीन में सो गया है, क्या ही कहा जाए इसके लिए। अभी पंखे चल रहे हैं, काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है इस समय। और प्रचार भी किया जा रहा है एलईडी के माध्यम से, ये भी एक आय का स्रोत है रेलवे की। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर महादेव।